अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात जो मैं आज आपको मर्ज़ बता रहा हूँ वो जो है चेहरे पे फेस पे जो मोटे मोटे दाने निकल जाते हैं उनके लिए आपको बेहतरीन लाजवाब नुस्खा दे रहा हूँ और बाहर तजुर्बे में ये मेरे आ चुका है और मैं आपको बता रहा हूँ, भले वो कोई डॉक्टर हो या हकीम हो या आम बंदा हो इसको नोट कर सकता है। तो हजरत मतलब ये कि जो दाने हैं चेहरे पे जो निकल जाते हैं पीकदार दाने होते हैं, लाल लाल से हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा बदनुमा हो जाता है, उनकी मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर एक, जिनके चेहरे पे दाने हैं उनको कब्ज़ नहीं होना चाहिए, अगर कब्ज़ हो तो कब्ज़े का शायद दवाई इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो है सहाफ़ी है, सहाफ़ी एक चम्मच बड़ा सुबह के टाइम और एक चम्मच शाम के टाइम असर के टाइम बड़ा लेना है खाली पेट, और मतवाजर तकरीबन सवा दो महीने का ये इलाज है, और एक बोतल तकरीबन जो है ये 5 दिन चलेगी। और रात के टाइम जो है आप पॉलीफ्लेक्स जो मरहम होता है आप वो दाने पे लगाएं, और साफी का वो जो शरबत है सीरप आप वो ले लें, एक बड़ा चम्मच सुबह खाली पेट, एक चम्मच शाम। और तीसरी चीज़ जो है पोटाशियम पिंकी, पिंकी होती है ये मेडिकल से आपको मिल जाएगी, छोटी सी बोतल में होती है, ये बासु से टाइम पुराने टाइम पे जो है कुएं के अंदर डालते थे, जरासीम का चाहिए तो इसको जो है पिंकी को थोड़े से गर्म पानी में लेके उसको घोल के और रुई के भाव से आप उसको दानों पे लगाएंगे तो उससे भी जो है दाने खुशक हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है जैसे अगर पैसे वगैरह किसी के पास नहीं है और वो नहीं है तो एक चीज़ ये है कि आप जो है वो काली मिर्च जो होती है आप इसको पीस के आप और जो जहाँ जहाँ दाने हैं आप उसको लगाएं, ये कि उससे हल्की सी थोड़ी तकलीफ़ होती है मिर्ची होती है बाहर, ये कि दाने को जला देता है। रात में फिर जो है दूध की जो मलाई होती है आप उस चीज़ पे फेस पे आपको लगाएंगे तो वो जो है इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी और ये दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो जो पहले जो मैंने बताया वो नुस्खा के सहाफ़ी और अपना दूसरी चीज जो बताई है मैंने आपको पिंकी, तो ये पिंकी वाला जो है ये अलग है, और जो सहाफ़ी का बताया है पीने का मतवादा 2 महीने और साथ में जो है पॉलीफेक्स मरहम लगाना है ये एक है। नंबर दो पिंकी खाली सिर्फ लगाएं आप चेहरे पे, इससे भी दाने खुश्क हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो काली मिर्च बताई है मैंने कि उसको पीस के लगाने से वो दानों को मुरझा देते हैं। बहरहाल जो है सहाफ़ी वाला जो है ये बाहर तजुर्बे में मेरे जो है ये आ चुका है और काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और आप भी इससे फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।